हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट सा शेयर करूंगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये स्विच बोर्ड कवर। तो मोस्टली जगहों पे स्विच बोर्ड लगभग इसी तरह से होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे थोड़ा सा अलग लुक दिया जाए, ऐसे देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैंने स्विच बोर्ड के साइज को मैंने मेजर कर लिया था, और मेजर करने के बाद मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है और इस पेपर के ऊपर मैं साइज को ड्रॉ कर ली हूँ। और ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको क्राफ्ट कटर की हेल्प से इसको मैं कट कर लूँगी, और कट करके मैं यहाँ पर एक बोर्ड का यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे इसको बोर्ड पर बनाना है। कार्डबोर्ड जैसा आपके पास, मतलब कार्डबोर्ड हो या फिर आपके पास MDF बोर्ड हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसके ऊपर आप ऐसे बना सकते हैं। मेरा यहाँ पे पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लेने का मतलब है कि मेरा जैसे साइज जो है वो इधर उधर नहीं होगा, एक अच्छा सा साइज आएगा। फिर मैं यहाँ पर जेसो ले रही हूँ, जेसो को मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। आपके पास अगर जेसो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जेसो के अलावा आप वाइट एक्रेलिक कलर भी यूज कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर डैबर का यूज़ करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे बहुत सारे ब्रश के स्ट्रोक्स दिख रहे थे, तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको डैब कर ले रही हूँ। अगर आपके पास डैबर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो बर्तन मांजने वाला स्पंज होता है उसको कट करके आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लू दूंगी। मैंने यहाँ पर पिचवई आर्ट को ड्रॉ कर लिया है और इसको मैंने उसी पेपर के ऊपर ही ड्रॉ किया है, और इस पेपर को मैं इस कार्बन पेपर के ऊपर रख करके इस आर्ट को ट्रेस कर लेंगे। और आप चाहे तो आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो। तो इस ड्राइंग में जो ये दुल्हन दिख रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा 3D लुक दूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एयर ड्राई क्ले लिया है, और ये जो ड्राइंग है इस ड्राइंग को थोड़ा सा मैंने पेंसिल से इसको डार्क कर लिया था, और डार्क करके इस एयर ड्राई क्ले को इसके ऊपर मैंने रख दिया था। आप देख सकते हैं कि ऊपर शेप आ गया है, तो मैं इस शेप को एक एक करके, जितने सारे शेप्स हैं सारे को इस तरह से मैंने कट कर लिया है, और सबको एक एक करके ग्लू से स्टिक कर लूँगी। यहाँ पर मैंने क्ले को रोल कर लिया था, तो रोल करके इस तरह से मैं इस फ्रेम के चारों ओर लगा लेंगे। चारों ओर लगाने के बाद इस पर थोड़ा बहुत डिटेलिंग कर देंगे।
तो ये ब्यूटीफुल सी दुल्हन बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत इसमें जो डिटेलिंग है वो कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है। तो ये मैंने गोल्डन कलर का आउटलाइनर लिया है क्योंकि मेरा ये दुल्हन जो मैंने बनाया है ये आपका 3D में है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत यहाँ पर 3D टेक्चर्स भी दिया जाए। आप चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास आउटलाइनर नहीं है तो आप इसके जगह पर यहाँ एक्रिलिक कलर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये फ्लावर्स के पेटल्स में जो आपका टॉप पे दिख रहा है ये मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक कलर लिया था, और नीचे जो बॉटम है बॉटम में मैंने आपका येलो कलर का थोड़ा बहुत टोन दिया था, और इसको अच्छे से मर्ज करके फिर मैं इसका पेटल्स को रेडी किया। अब लास्ट में इस फ्लावर्स के पेटल्स को मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से आउटलाइन कर लेंगे। इसको पहले मैंने आउटलाइन नहीं किया था तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट इसको आउटलाइन करने के बाद और भी ज़्यादा ये सुंदर लगने लगा था, इसलिए मैं इसको आउटलाइन कर रही हूँ। का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको इसी तरह के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।